आज हम कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स पढ़ाया था, उसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है? ईच ऑफ द टू चार्ज मेटलिक स्फीयर है, दैट मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर है दो। एक की रेडियस 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, और चार्ज दोनों पे कितने हैं? ईच पे कितना चार्ज है? 100 माइक्रोकूलम है। बना लेते हैं एक स्पीयर, ये एक कंडक्टिंग स्पीयर, इसकी रेडियस R1 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये मेरे पास दूसरा कंडक्टर है, इसकी रेडियस R2 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इस पे Q1 चार्ज है और इस पे भी Q2 चार्ज है। इन दोनों को हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड से टाइट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, गिवेन हमें क्या है इसमें कि Q1 जो चार्ज है और Q2 जो चार्ज है वो इक्वल है प्लस के 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमसे कहा गया है कि दे आर कनेक्टेड बाई वायर। इन दोनों कंडक्टरों को अगर किसी वायर से कनेक्ट कर लें, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो इसे कंडक्टर ए मान लिया, इसे कंडक्टर बी, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ए C1 इज इक्वल टू 4π ε₀ R1। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी 1/9 × 10⁻¹, और रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखा है तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, माइनस के 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, तो लिख सकते हैं 15/9 और 10⁻¹₹ कैपेसिटेंस आ गया, कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस आ गया। ऐसे ही आप कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर बी निकाल सकते हैं। C2 इज इक्वल टू 4π ε₀ R2, तो 4π ε₀ R2 की वैल्यू 1/9 × 10⁻¹, और रेडियस इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 को चेंज कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 10/9 × 10⁻¹₹। ये कंडक्टर ए का हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंड करता है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? इसमें सेकंड केस आपसे कह रहा है कि इन दोनों कंडक्टरों को, कंडक्टर ए को और कंडक्टर बी को, आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पीछे कि जब हम किसी कंडक्टर को जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हो उनको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, और इस सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, पीछे पढ़ाया है। ठीक है, इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें याद है भाई, कॉमन पोटेंशियल वी इज इक्वल टू था Q1 + Q2। इसे तो Q1 चार्ज आएगा, इस पे Q2 चार्ज आएगा, कनेक्ट करते ही चार्ज का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज जो आता था यहां पर, जो चार्ज आता था कनेक्ट करने से पहले चार्ज आता था, नहीं जाके फॉर्मूला देखिए, कनेक्ट यहां पर जो Q1 Q2 आता है वो कनेक्ट करने से पहले कंडक्टरों का चार्ज आता है, वो लिख लिया मैंने, +C1 + C2, ये फॉर्मूला था। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, C1V1 + C2V2 / C1 + C2, बट हमें वी पोटेंशियल के बारे में जानकारी नहीं है तो हम ये लिख लेंगे, पोटेंशियल के बारे में जानकारी नहीं तो ये लिख लेंगे। सॉरी वो कुछ गिर गया इधर से। ठीक है, आगे ध्यान दें, डस्टर गिर गया, आगे बढ़ते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी पुट करें? तो Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है Q1 Q2 100 माइक्रोकूलम, तो ये लिख लेते हैं हम 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻¹⁶ प्लस 100 × 10⁻¹⁶ डिवाइड बाई C1 + C2। तो C1 की वैल्यू हमारे पास है 15/9 × 10⁻¹⁶ प्लस 10/9 × 10⁻¹⁶, ऐड कर लो, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, तो देखो ये 200 हो गया, 200 × 10⁻¹⁶ ऐड कर लिया, नीचे वाला ऐड करेंगे
तो 9 एलसीएम लेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है, ये भी ऐड कर लिया, सॉल्व कर लो। 25 से ये कितनी बार कट गया, 8 बार, और ये इसको ऊपर चला गया तो 72 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 6 प्लस के 11, तो ये हो गया 72 इंटू 10 की पावर, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5, तो यहां लिख सकते हैं आप प्लस के 5। इतने वोल्ट तो कॉमन पोटेंशियल हो गया भाई, एक आंसर तो यही होगा हमारा, ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, एक आंसर हमारा ये हुआ, कितना आया 72 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया, हमारा आंसर निकल आया कॉमन पोटेंशियल का। फिर कह रहा है फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि कॉमन फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर ए पे निकाल लेते हैं, तो ये कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्यू वन डैश, तो क्यू वन डैश इज इक्वल टू, कंडक्टर ए का लिख रहे हैं तो सारी चीजें कंडक्टर ए की लिखेंगी, और ये फाइनल चार्ज है ये कंडक्टर ए पर, तो कितना इसी का कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस तो रेडियस तो चेंज नहीं हुई है आर वन, तो कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा 4πε0 आर वन, है ना, इसका भी रेडियस चेंज नहीं हुई है तो रेडियस आर टू है, इसका कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो ये Q1 डैश इज इक्वल टू होगा C1V, Q1 डैश इज इक्वल टू कितना, इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस और इसी कंडक्टर का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम हो गया है, तो हमने C1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम पीछे, कितनी 15 बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 इंटू, V की वैल्यू हमारी 72 इंटू 10 की पावर 5, तो इसे सॉल्व कर लो, 9 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, और इसका सब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 15, 8 का मल्टीप्लाई करना है 15, और 8 का मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है आपका वो आएगा, यहां कर लेते हैं 15 और ये 8, 8 × 45 4, और 8 × 1 8, और 8 × 4 कितने 20, 8 × 4 12 है, 8 × 4 12 120, 120 आया, और 10 की पावर 11 में से आपके कितने गए 5 गए तो कितने बचे माइनस के 6, इतने कूलाम चार्ज आया, दैट मींस 120 माइक्रो कूलाम चार्ज आएगा, ठीक है, इस कंडक्टर ए पर कितना चार्ज आएगा 120 माइक्रो कूलाम चार्ज आएगा, ठीक है, ये कंडक्टर ए का चार्ज हो गया, ऐसे ही आप कंडक्टर बी का चार्ज निकाल लीजिए, ठीक है, ये समझ में आया था आपको, तो हम क्या करते हैं इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन उठा देते हैं, अब कंडक्टर बी पर चार्ज निकाल लीजिए आप, तो देखो ए कंडक्टर ए पे तो चार्ज आ गया क्यू वन डैश 120 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया, ऐसे ही फाइनल चार्ज एंड फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर बी, बी कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा, तो क्यू टू डैश इज इक्वल टू कंडक्टर बी का सब कुछ, कंडक्टर बी का लिख लो, क्यू बराबर सी भी होता है, कंडक्टर बी का ही चार्ज, कंडक्टर बी का ही कैपेसिटेंस और कंडक्टर बी का ही पोटेंशियल, ठीक है, तो लिख लिया, तो कंडक्टर बी का तो कैपेसिटेंस अब निकाल चुके हैं, कितना है 10/9, 10/9 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और कॉमन पोटेंशियल कितना था 72 इंटू 10 की पावर प्लस के 5, ये कट गया 8 बार, तो ये हो गया 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, दैट मींस 80 माइक्रोकूलम चार्ज। देखो कनेक्ट करने से पहले इस पर कितना चार्ज था 100, और इस पर भी कितना था 100, तो टोटल कितना था 200, कनेक्ट करने के बाद इस पर कितना हो गया है, ए पे था 100 माइक्रोकूलम, ए पे कनेक्ट करने से पहले कितना चार्ज था 100 माइक्रोकूलम, और बी पे भी कितना था 100 माइक्रोकूलम, कनेक्ट करने के बाद ए पे कितना हो गया, ए कंडक्टर पे कितना हो गया है 120 माइक्रोकूलम,
इस पे 120 हो गया, इस पे 120 और इस पे 80। तो ये बताओ दोनों कंडक्टरों का टोटल चार्ज कितना है बिफोर कनेक्टिंग द वायर? 200 माइक्रोकूलम, 100 प्लस 100, 200 माइक्रोकूलम। और कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टरों का टोटल चार्ज कितना है? तो 120 प्लस 80, 200 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कंजर्व रहता है जब किसी दो कंडक्टरों के बीच में चार्ज की शेयरिंग होती है कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करके, तो चार्ज लॉस नहीं होता, केवल चार्ज का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफरेंस होता है, दैट मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये चेक जरूर कर लेना आप। तो 200 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि फाइनल चार्ज बताओ। तो एक आपका फाइनल चार्ज ये हो गया आपका 80 माइक्रोकूलम और एक हो गया आपका 120 माइक्रोकूलम। थर्ड पार्ट इसमें कह रहा था कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो देखो हम ये भी बता सकते हैं कि किधर से किधर ट्रांसफर होगा और कितना होगा, लेकिन इसमें बताते कैसे हैं, कंडक्टर ए पर कितना था कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से पहले चार्ज 100 माइक्रोकूलम, और कंडक्टर ए पर ही कितना चार्ज है कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करने के बाद 120 माइक्रोकूलम। तो कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? तो इंक्रीज हुआ 20 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब है चार्ज किधर से किधर फ्लो किया? चार्ज आपका बी से ए फ्लो किया। आपका चार्ज किधर से किधर फ्लो किया होगा? बी से ए। कितना चार्ज फ्लो किया है तो चेक कर लें, तो 20 माइक्रोकूलम किया है। कितना किया है? 20 माइक्रोकूलम। तो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंडक्टर बी टू ए किया है, बी से ए। कितना किया है तो कोई से इसे भी कर लो, Q1 - KQ1। कंडक्टर ए का ले रहे हो आफ्टर कनेक्टिंग, तो इधर भी कंडक्टर ए के में से कंडक्टर ए का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्टर ए के में से कंडक्टर ए का, तो कनेक्ट करने के बाद कितना है 120 ए पर, और कनेक्ट करने से पहले ए पर कितना था 100। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? 20 माइक्रोकूलम चार्ज, ऐसे कर सकते हो। या आप बी बी वाला ले लो, इस पर कितना है कनेक्ट करने से पहले 100 और इस पर कितना है 80। तो इसके में से इसको घटाओगे तो मालूम पड़ रहा है हमें कितना, 20 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम कंडक्टर बी टू ए कितना हुआ? 20 माइक्रोकूलम। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी टॉपिक के ऊपर, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, इसका सॉल्यूशन करते हैं। टू आइसोलेटेड मेटलिक सॉलिड स्फीयर हैं, रेडियाई मेटलिक ही हैं सॉलिड स्फीयर, रेडियाई आर एंड टू आर चार्ज्ड सच दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम चार्ज डेंसिटी। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास दो मेटलिक स्फीयर हैं, एक ए है ये रहा और एक बी है ये रहा, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है आर और इसकी रेडियस दे रखी है टू आर। इसे हम आर वन मान लेते हैं, इसे हम आर टू मान लेते हैं, ऐसे ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया हमने, एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं, ठीक है, जिससे एक दूसरे के पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो देखो इसको हमने चार्ज किया, मान लो कितना क्यू वन चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है क्यू टू। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों कंडक्टर ए और बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ये गिवन है कि सेम चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज सेम नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो यहीं से कर लो पहले, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, है ना, ये फॉर्मूला है। तो इस कंडक्टर ए के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, फॉर कंडक्टर ए है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है इसकी, तो ए की लिख रहे हैं सारी चीज ए की, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कितना चार्ज कंसिडर किया है? क्यू वन। कितना इसका सरफेस एरिया होगा? तो 4πr1 का स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr1 का स्क्वायर। r1 दे रखा है कैपिटल R, इसीलिए रेडियस हो गई 4πr2।
तो यहां से आप कंडक्टर ए पे चार्ज निकाल सकते हो, कंडक्टर ए पे चार्ज आया सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है, चार्ज ऑन कंडक्टर ए। ऐसे ही आप चार्ज ऑन कंडक्टर बी भी निकाल सकते हो, चार्ज ऑन कंडक्टर बी, तो कितना, इसी का सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी का चार्ज हमने लेट किया है Q2, इसी का सरफेस एरिया, तो 4πr² का स्क्वायर, r2 कितना है 2r, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकाले, इसका सर मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा इंटू ये चार हो गया और चार चार 16 πr² हो गया, ठीक है। ये कंडक्टर ए पे चार्ज हो गया, ये कंडक्टर बी पे चार्ज हो गया बिफोर कनेक्टिंग द वायर, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस ऑफ निकाल लो C1 एंड कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस C1, तो वो होता है 4πε₀R₁, तो कितना 4πε₀R₁ कितना है R, ठीक है। ऐसे ही इसमें कैपेसिटेंस निकाल लो कंडक्टर बी का, तो कंडक्टर बी का कैपेसिटेंस निकालें तो 4πε₀R₂, R2 और R कितना है आपका 4πε₀×2R, दैट मीन्स 8πε₀R, ठीक है, ये कैपेसिटेंस निकल आया। अब कह रहा है कि इन दोनों वायरों कंडक्टरों को नाव, वो कह रहा है वो काम कर दो, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है आपका, इसकी रेडियस 2R है, इसकी रेडियस R है, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब दो कंडक्टरों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और कब तक करता है, जब तक कि दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएं। लेकिन एक्चुअली में आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, तो कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, किधर से किधर करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों कंडक्टरों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएं, ये सेम पोटेंशियल हो, ऐसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ये कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करा होगा आपका, तो चार्ज फ्लो करने के बाद इस पर कितना चार्ज रह गया Q1-, इस पर कितना हो गया Q2-, लेट कर लिया, लेट कर लिया। अब इसी चार्ज को निकाल लो भाई, नाउ आफ्टर क्या लिखेंगे, कनेक्टिंग ऑफ द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग ऑफ द वायर, कनेक्ट करने के बाद की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन कंडक्टर ए, पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल, हमें कॉमन पोटेंशियल ही निकालना पड़ेगा बेटा, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है Q1+Q2 डिवाइड बाय C1+C2। यहां पे तो चार्ज आते हैं वो आफ्टर कनेक्टिंग वाले लिखते हैं, सॉरी बिफोर कनेक्टिंग वाले लिखते हैं, वायर से कनेक्ट करने से पहले Q1 था, इस पे Q2 था, ठीक है, नहीं चेक कर लेना हमने पीछे फॉर्मूले में डेफिनेशन में जाके, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, इसीलिए सिग्मा इंटू 4πr² कितना है, सिग्मा इंटू 4πr² प्लस सिग्मा इंटू 16πr² डिवाइडेड बाई C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 4πε₀ है ये R, प्लस ये है 8πε₀R, तो ऐड कर लो भाई, ऐड करेंगे तो ऊपर 16 और 4 20 हो गया, तो सिग्मा इंटू 20πr² और नीचे ऐड करेंगे और 12 हो गया 12πε₀R, ठीक है। तो देखो यहां से एक तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 20/12 सिग्मा आर डिवाइडेड बाई ε₀, ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया अभी। तो ये तो किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है किसकी, बिगर स्फीयर की, तो बिगर स्फीयर पर चार्ज निकाल लो आप, देन चार्ज ऑन फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्पीयर, तो Q2- है तो स्पीयर, बिगर स्पीयर की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें बिगर स्पीयर के ले लो,
एसी का कैपेसिटेंस, एसी का पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का सेम है। कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंड करता है ओनली, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कितनी रही भाई C2 की, 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ये कितना है 20/12 सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तो देखो एप्सिलॉन 0 से तो ये एप्सिलॉन 0 कट गया, तो चार्ज आ गया Q2 डैश ये देख लें, ठीक है आ रहा है वीडियो के अंदर, Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया ये 8 हो गया अलग, और इंटू ट्वेंटी अभी सॉल्व कर लेंगे बाद में, ये 12, ये बचा पाई सिग्मा और आर स्क्वायर, है ना, जल्दी तो नहीं हुई, तो 8 लिख लिया, 20 भी लिख लिया, 12 भी लिख लिया, पाई सिग्मा और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया। इतना फाइनल चार्ज हो गया किस पर, कंडक्टर बी पर, लेकिन वो पूछ चार्ज नहीं रहा है, फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर, इस बिगर स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, तो बिगर स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालें उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे, क्वेश्चन में डाल देता हूं। ठीक है, तो लिख रहे हैं न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर सिग्मा डैश, तो बिगर स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा नीचे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है क्यू अपॉन ए, इस बिगर स्फीयर का इसका पूछ रहा है कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने से पहले तो ये थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिखी थी देखो कंडक्टर बी की, लेकिन कनेक्ट करने के बाद पूछ रहा है, तो कनेक्ट करने के बाद कह रहा है, तो सरफेस एरिया तो वही रहेगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है इसकी 2r, अरे सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस r2 है तो 4 पाई r2 का स्क्वायर, r2 के लिए 2r, तो ये लिख दिया सेम टू सेम, तो आ रहा नीचे एरिया, लेकिन चार्ज बदल गया है, यहां आ गया है Q2 डैश, पहले चार्ज Q2 था तो Q2 लिखा, अब चार्ज इतना है इस पर Q2 डैश है तो Q2 डैश लिख लेंगे, Q2 डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, बस वैल्यू पुट करनी है सॉल्व करना है, तो ये है 8 × 20/12 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 16 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 4 का मल्टीप्लाई 16, या ऐसे देने दो देखो आप, चलो 16 कर देते हैं, 16 पाई आर स्क्वायर, है ना भाई, पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर लो इसे आप, तो देखो एक पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे उठा लेते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू आया 8 × 20 and 12 × 16 और सिग्मा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो 4 से ये कट गया 5 बार और 4 से कट गया 4 बार, ठीक है, 4 से ये कट गया 2 बार और 4 से कट गया 3 बार, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 12 सिग्मा, 10/12 आ रहा है, देख लेते हैं 10/12 है कि नहीं, 10/12 लिख सकते हो, 5/6 भी लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी 5/6 सिग्मा, ऐसे 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 6 बार, तो 5/6 × सिग्मा न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी होगी, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, उसे आप अपने आप कर लेना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला टॉपिक देखते हैं हम, कैपेसिटर, ठीक है, देखो कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे, उस डिवाइस का नाम कैपेसिटर, ठीक है,
देखो किसी कोई कंडक्टर होता है, अगर एक सिंगल कंडक्टर की बात करें, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल कंडक्टर है फॉर एनी शेप, ठीक है, ये हमारे पास कोई सिंगल कंडक्टर फॉर एनी शेप, स्पेरिकल कंडक्टर ले लो, ये स्पेरिकल कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को क्या हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। इस कंडक्टर को एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, उस लिमिट से अधिक चार्ज देने पर ये कंडक्टर का जो चार्ज है वो एयर में लीक करने लगता है। तो इस तरह से किसी सिंगल कंडक्टर की में चार्ज को स्टोर करने की एवरेटिंग, दैट मींस एनर्जी को स्टोर करने की एवरेटिंग, चार्ज को स्टोर करने की एंड एनर्जी को स्टोर करने की एवरेटिंग बहुत कम होती है। एक सिंगल कंडक्टर में चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें, हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें कि इस कंडक्टर की ही विदाउट साइज इंक्रीज करें, इसी कंडक्टर की विदाउट साइज इंक्रीज करें, इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ जाए, इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए, दैट मींस इस कंडक्टर में और अधिक, पहले से अधिक चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कर कह देंगे, फिर एक नाम दे देंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट उस कंडक्टर का साइज इंक्रीज करें। अगर हम इस कंडक्टर का साइज इंक्रीज ना करें फिर भी इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा दें, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे फिर? कैपेसिटर। या तो अगर इस कंडक्टर का साइज इंक्रीज नहीं किया फिर भी इसमें इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब है कि इस कंडक्टर में अब उस पहले से भी अधिक चार्ज स्टोर करने की और एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी आ गई है, तो फिर उसी डिवाइस का नाम हम कह देते हैं कैपेसिटर। तो सर एक बात पूछना है मेरे को कि सर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस तो शेप और साइज पर डिपेंड करता था और सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता था, तो आप इस कंडक्टर का साइज विदाउट इंक्रीज करें तो इसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाओगे? कैसे इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाओगे? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको देखो कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो बता देता हूं, ठीक है। तो किसी कंडक्ट अगर हमें कैपेसिटर बनाना है, दैट मीन्स इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो इसके नियर एक और कंडक्टर रख लो आप, इस कंडक्टर के नियर एक और अंदर कंडक्टर रख लो, और दोनों कंडक्टरों पर ये एक और कंडक्टर रख लिया, ये ए कंडक्टर था ये बी कंडक्टर था, इन दोनों कंडक्टर पर इक्वल एंड अपोज चार्ज हो, दो कंडक्टर हो ए और बी फॉर एनी शेप, एक दूसरे के वेरी क्लोज रख दें और उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो इस अरेंजमेंट को, इस पूरे अरेंजमेंट को अब हम कहते हैं कैपेसिटर। अब इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमें दो कंडक्टर चाहिए और दोनों कंडक्टरों को वेरी क्लोज रख दें, और वेरी क्लोज रख के उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हमने नाम दे रखा है कैपेसिटर। कैपेसिटर जानते हो, इस कंडक्टर को रखने से, इस कंडक्टर ए के नियर इस कंडक्टर को रखने से, इस कंडक्टर को रखने से ही इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, और बिना साइज इंक्रीज कर, इस कंडक्टर का हमने साइज इंक्रीज नहीं किया, सराउंडिंग मीडियम चेंज नहीं किया, बस इस कंडक्टर को यहां रख दें, बी कंडक्टर को इस कंडक्टर के नियर रख दें, तो इस
इस कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इस कंडक्टर ए में पहले से अधिक चार्ज और एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी आ जाएगी। तो फिर इस अरेंजमेंट को ही हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। अब समझ में ये नहीं आया कि सर इस कंडक्टर को रखने से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमारे सिलेबस में केवल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो अगर हमें यह समझना है कि इस कंडक्टर को यहां रखने से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगा, तो हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको, आगे सुनते हैं। तो देखो पहले मैंने बस आपको सिंपल सा डेफिनेशन देता हूं, फिर थोड़ी देर में आपको मैं पढ़ाता हूं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का। एक आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करेंगे ओनली। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में अब सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर क्या है, फिर हम इस प्रोसेस को समझेंगे प्रिंसिपल में। तो देखो कैपेसिटर को हम लिखना चाहें कि कैपेसिटर क्या, बहुत छोटे से वर्ड में लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कैपेसिटर एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज स्टोर करता है, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, तो कैपेसिटर के लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट क्या करना है कि एक कंडक्टर के नियर एक कंडक्टर, जैसे एक कंडक्टर ले लिया, इस पर इसके नियर ये दो कंडक्टर ले लिए और दोनों कंडक्टरों को वेरी क्लोज रखा, इन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इस अरेंजमेंट को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। ठीक है, ये आप सीधे बोल सकते हो। तो ये तो चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करें। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो देखो एक वर्ड होता है आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर और एक वर्ड होता है नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो कितना, जीरो। हम कैपेसिटर उसी को कहेंगे जिस पर नेट चार्ज कितना हो, जीरो हो। तो देखो मैंने अभी कहा कि दो कंडक्टर हो, उन दोनों को एक दूसरे के वेरी क्लोज रखें और उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, तो इस पर प्लस के क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, जीरो। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो कितना होता है, जीरो। बट एक वर्ड है चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसे कहते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मीनिंग है कि जो कैपेसिटर की जो पहला कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जिस कंडक्टर पर है उसके इनर सरफेस पर जो चार्ज होता है उसे चार्ज ऑन कैपेसिटर कहा जाता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मीनिंग है कि जो कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसे ही हम चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं। जैसे इस कंडक्टर की ये प्लेट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, क्यू। तो यहाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हुआ, क्यू। इस पर चार्ज कितना है, माइनस के क्यू। तो जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कह दो, प्लेट है कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट, इसके इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसी को हम चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें एक वर्ड आएगा फिर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन करो। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सी इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर, बिटवीन टू प्लेट्स कह सकते हो, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट। देखो इस कंडक्टिंग प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज,
तो इसका पोटेंशियल कैसा हुआ? पॉजिटिव। इस कंडक्टर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा हुआ? नेगेटिव। तो ये देखो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज, दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये लो पोटेंशियल। तो इन दोनों प्लेटों, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं। तो मान लो इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, ये प्लस का ये माइनस का। जैसे इस कंडक्टिंग प्लेट का ए का पोटेंशियल होता वी ए, और इसका प्लेट का पोटेंशियल होता वी वी। व्हाट द नेम ऑफ वी ए? पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। वी वी पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। तो वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। ये प्लेट ए का पोटेंशियल, ये प्लेट बी का पोटेंशियल, और ये दोनों प्लेटों में पोटेंशियल डिफरेंस। तो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, V कर लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन V। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछता है कि डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट। आप लिख सकते हो ऐसे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आप इसे प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स कह सकते हो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी यूनिट भी फैरड ही होगी, फैरड, और इसकी होती है कूलाम और इसकी होती है वोल्ट। तो फैरड इज इक्वल टू किसके बराबर? कूलाम पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की यूनिट आप कूलाम पर वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया आपको पहले, ठीक है। इसमें आपने ध्यान दिया चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है? अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर कहे तो जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है उसके इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसे चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसे चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं। और नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछता है तो जीरो, क्योंकि कैपेसिटर में दो कंडक्टर, उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है और वो एक दूसरे के वेरी क्लोज रखे होते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सिंगल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। अगर हम इसी कंडक्टर का, इसी सिंगल कंडक्टर का, इसी कंडक्टर का अगर हम कैपेसिटेंस बढ़ा दें, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जो भी अरेंजमेंट करें उस अरेंजमेंट का नाम ही कैपेसिटर होता है। तो हम सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे कैसे, वो बढ़ेगा कैसे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो छोटा सा पॉइंट बताओ पहले मेरे को कि मैंने एक पॉइंट शुरू कर रहा हूं यहां से कि मैंने एक कंडक्टिंग मेटल प्लेट ली है, एक कंडक्टिंग की मैंने मेटल की प्लेट ली है, ठीक है, और इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर टाइट कर लिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड कस लिया है मैंने, ये इसे मेटल की प्लेट ए कह रहा हूं, मेटल की है, और इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों लगाया जानते हो ना? जब किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज होता है और वो अर्थ से कनेक्ट हो जाए तो सारा चार्ज अर्थ में लीक कर जाता है, ठीक है। तो इसे चार्ज लीक ना करे अर्थ में, इसलिए इस मेटलिक प्लेट ए को इंसुलेटिंग स्टैंड ये नीचे लगाए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, तो क्या बताओ इस कंडक्टर को हम जितना मर्जी चाहें उतना चार्ज दे सकते हैं? तो नहीं। इस कंडक्टर को हम चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको चार्ज और अधिक नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा? जैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो फर्दर इसको चार्ज देने से वो चार्ज उस कंडक्टर से लीक करने लगेगा, ठीक है। आपको देखो ये सब चीज मैंने पीछे पढ़ाई है,
अगर याद करो आप, तो मैंने कंपेयरिंग करी थी वेसल से और कंडक्टर से, कंडक्टर और वेसल। कंडक्टर में चार्ज स्टोर करता है, कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं और कंडक्टर उस चार्ज को स्टोर करता है। वेसल में हम लिक्विड भरते हैं तो वो लिक्विड स्टोर करता है। तो यहां कंडक्टर की कंपेयरिंग तो वेसल से हो गई एक। दूसरा, इसमें हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को, तो ये चार्ज स्टोर करता है, और इसमें हम लिक्विड भरते हैं तो ये लिक्विड स्टोर करता है। तो लिक्विड कंडक्टर की जगह पर वेसल, चार्ज की जगह पर लिक्विड। ये तो चार्ज, अगर हम इस वेसल में लिक्विड भरेंगे तो क्या इंक्रीज होता है लिक्विड का लेवल। ये पीछे कंपेयरिंग कर चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में देखना जरूर। ये लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड। और इस जगह पर क्या इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चौथा, इसमें बताएं कि इसमें कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इसमें इसको शो करते हैं हम वॉल्यूम से। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेसल है, समझना, ठीक है, ये वेसल है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। एक वेसल है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो क्या इस वेसल में हम जितना चाहें उतना लिक्विड भर सकते हैं? क्या ये वेसल जितना चाहे उतना लिक्विड स्टोर कर सकता है? तो नहीं। अगर इस वेसल में हमने 0.5 लीटर लिक्विड भरा ऐसे, तो इसने स्टोर कर लिया, लेकिन इस लिक्विड का ये लेवल हो गया इतना। ये लेवल देखो, ये लेवल ऑफ लिक्विड, ऐसे लेवल ऑफ लिक्विड कहेंगे। अगर हम इसमें लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दें, तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ाने से लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम लिक्विड का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, लिक्विड का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि लिक्विड का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा। लिक्विड का लेवल कैसा हो जाएगा, जैसे ही मैक्सिमम होगा, ये लिक्विड का लेवल कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब फर्दर इसमें अगर तुम लिक्विड डालोगे तो वेसल उस लिक्विड को स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करने लगेगा, लिक्विड उस वेसल से लीक करने लगेगा, बाहर फैलने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे, तो अगर चार्ज देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चार्ज दिया, चार्ज देंगे तो देखो, किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। तो हम कंडक्टर को चार्ज देते जाएं पोटेंशियल बढ़ता गया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और जैसे ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, फर्दर से इस कंडक्टर को चार्ज दोगे और चार्ज दोगे, तो वो चार्ज ये कंडक्टर स्टोर नहीं कर पाएगा, और वो चार्ज क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जैसे ही है। यह पीछे भी आपको समझा चुका हूं वीडियो नंबर 1 में, कैपेसिटेंस की वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। तो देखो, इसी चीज को हमने लिख दिया है यहां पे। लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटेड, मतलब अलग अलग, इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटेड मतलब अलग अलग, मेटल प्लेट ए। तो मैंने कंसिडर की एक मेटल प्लेट ए, ठीक है। लेट सम पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, ये तो मैंने मान लिया, इसे मैंने क्यू चार्ज दिया है पॉजिटिव, ठीक है। लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू दिस प्लेट, तो इस प्लेट को हमने कुछ चार्ज दे दिया, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। कितना चार्ज दिया है, इतना चार्ज दिया है, तब तक चार्ज देते रहे हैं जब तक इस कंडक्टर ए का पोटेंशियल कैसा नहीं हो गया, मैक्सिमम। जैसे इसमें तब तक लिक्विड भरते चले गए हैं जब तक इस लिक्विड का लेवल ऑफ लिक्विड कैसा नहीं हो गया, मैक्सिमम। जब इस लिक्विड का, इस वेसल में लिक्विड का लेवल मैक्सिमम हो जाए, इसके बाद अगर हम लिक्विड और डालें तो फैलेगा ही। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कंडक्टर का चार्ज हम देते गए पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ, उसके बाद अगर हम इस कंडक्टर को और चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर से वो चार्ज लीक करने लगेगा। नो फर्दर चार्ज कैन बी गिविन टू दिस प्लेट
एज इट वुड लीक आउट. अगर इस नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस प्लेट एज इट वुड लीक आउट. ये समझ में आ गया ना आपको ये वाला पॉइंट? ठीक है. अब इसका ध्यान रखना कि कंडक्टर वेसल, इसमें हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, इसमें हम लिक्विड भरते हैं. जब इसमें चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, इसमें जब लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड का लेवल बढ़ता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है किसको? लेवल ऑफ लिक्विड को. इसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटी कहलाती है. तो ये था इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा. इस कंडक्टर, इस वेसल का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसमें चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो 2 लीटर है. तो इसकी कैपेसिटी कितनी है लिक्विड स्टोर करने की? 2 लीटर. तो यहां वॉल्यूम इस वेसल की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. ये ध्यान समझ में आ गया आपको. अब इंपॉर्टेंट क्या था हमारा कि भाई इस कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे आप? क्या इस कंडक्टर में ये और चार्ज स्टोर कर सकता है? तो यहां तो हमने लिख दिया कि भाई हमने ये क्यू चार्ज जो दिया ये मैक्सिमम चार्ज है, इससे अगर और चार्ज दोगे तो वो चार्ज लीक करने लगेगा. तो इसका मतलब है इसमें इस चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है? केवल क्यू. और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है. तो ये क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है. क्या ये कंडक्टर, यही वाला कंडक्टर, इसका साइज नहीं बढ़ाएंगे, सराउंडिंग मीडियम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या यही कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है? तो बढ़ाई जा सकती है. कैसे? तो जरा समझते हैं कैसे. अब सेकंड केस देख रहे हैं हम, यहां देख लेते हैं. ये प्लेट मैंने ऐसे बना ली, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, ऐसे ये इंसुलेटिंग स्टैंड आपका, ये प्लेट है, इस पर कितना चार्ज था? 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 क्यू चार्ज था. जब क्यू चार्ज था इसका पोटेंशियल कैसा हो गया था? ये मैक्सिमम. ये पोटेंशियल कैसा है आपका? मैक्सिमम. इससे ज्यादा पोटेंशियल और नहीं हो सकता. ठीक है, तो इस क्यू चार्ज था, इसका पोटेंशियल भी हो गया था. अब इस कंडक्टर के नियर, वेरी क्लोज, एक अंदर कंडक्टर रख लेते हैं हम. ठीक है, इस कंडक्टर ए के नियर हम एक और दूसरा कंडक्टर रख लेते हैं, बी. ये दूसरा कंडक्टर रख लिया हमने, बी, इसके नियर रख लिया, और इसको भी हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगा लिया. लेकिन ये अनचार्ज कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. ये कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज कंडक्टर, इस पर कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, अब आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन याद हो तो उसमें कंडक्टर पर जो चार्ज आता है, अनचार्ज कंडक्टर पर, जो अनचार्ज कंडक्टर है, तो इस अनचार्ज कंडक्टर को इस चार्ज कंडक्टर की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, याद है ना आपको? जैसे ये हमारा एक अनचार्ज कंडक्टर था. अनचार्ज का मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0, अनचार्ज कंडक्टर. अगर इस अनचार्ज कंडक्टर के नियर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं जिसका चार्ज क्यू है, तो इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज. तो इस एंड पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इस एंड पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, दैट मीन्स किसकी एक्सेस? पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी. ठीक है, याद आया ना आपको? अब क्या करते थे, याद है? अब याद हो तो इस, याद हो तो देखो, अब याद हो तो आपको क्या करते थे, इसको हम अर्थ कर देते थे ऐसे ऐसे. ये आपका चार्ज, ऐसे ये क्यू चार्ज. जैसे अर्थ किया तो ये चार्ज अर्थ में लीक कर जाता था. ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये बाउंड चार्ज है, ये लीक नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये बाउंड चार्ज और ये फ्री चार्ज. जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो ये चार्ज तो अर्थ में लीक कर जाएगा. लेकिन ये वाला चार्ज अर्थ में क्यों नहीं लीक कर रहा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉनों को क्या करके रखा है? अट्रैक्ट करके रखा है, बाउंड करके रखा है. तो ये बाउंड चार्ज बोलेंगे, इसे फ्री चार्ज बोलेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज है. ऐसे फिर अर्थिंग हटा देते थे, अर्थिंग हटा दी, लेकिन ये प्लेट नहीं हटाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका. ठीक है, प्लेट नहीं हटाएंगे. ठीक है, अर्थिंग हटा दी, प्लेट, ये चार्ज नहीं हटाया. जब चार्ज नहीं हटाया तो ये नेगेटिव ऐसे, और इसको भी हटा देंगे तो ये आपका ऐसे फैल जाता है. तो इस चार्ज को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते थे. इसको क्या बोलते थे? इंड्यूस्ड चार्ज.
और इसे इंड्यूसिंग चार्ज बोलते थे, इसे इंड्यूस्ड चार्ज और इसे इंड्यूसिंग चार्ज। तो हमें याद हो कि अगर ये कंडक्टर है, अगर ये क्या है कंडक्टर, तो ये जो कंडक्टर है अगर, तो ये जो चार्ज डेवलप होता है इंड्यूस चार्ज, कंडक्टर होता हो ये, तो इंड्यूस चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज का, इंड्यूसिंग चार्ज का कैसा अपोजिट चार्ज डेवलप होता है माइनस के क्यू। अगर हमने अर्थिंग नहीं करी है, अगर हमने अर्थिंग नहीं करी है तो ये क्यू है तो ये माइनस के क्यू होगा। जो इंड्यूस चार्ज होता है क्यू डैश, लेकिन कंडक्टर वाले केस में इंड्यूस चार्ज इस इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर ये माइनस के क्यू तो ये प्लस के क्यू, ये इंड्यूसिंग चार्ज ये इंड्यूस चार्ज, समझ में आया, ये इंड्यूस चार्ज, ये हमने इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये पीछे पढ़ाया है ठीक है कूलम्स लॉ में, नहीं वीडियो देखो उसकी। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही हम इस अनचार्ज कंडक्टर को इस कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग ए के प्लेस नियर में रखेंगे, तो इसके इंडक्शन से इस कंडक्टर बी के नियर वाले फेस पर माइनस के क्यू चार्ज आएगा, माइनस के क्यू, इस पर प्लस के क्यू है ये, इस पर माइनस के क्यू, एक दो तीन चार पांच गिन के बनाना, और फर्दर वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये कैसी प्लेट थी अनचार्ज प्लेट थी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो ऐसे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, पर ये ध्यान रखना ठीक है, ऐसे अभी समझाया था मैंने आपको। तो इस बी कंडक्टर पर ये इंड्यूज चार्ज, नेगेटिव इंड्यूज चार्ज डेवलप हो गया ए के नियर वाले फेस पर, और बी के फर्दर वाले फेस पर इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा समझो, अब जरा समझो, क्या अब इस कंडक्टर को इसके नियर रखने पर क्या कंडक्टर ए का पोटेंशियल वी ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको जब स्पेरिकल कंडक्टर पढ़ रहे थे ऐसे, इस पर चार्ज है क्यू वन, इस पर चार्ज है क्यू टू, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। तो जब इस प्लेट का इस कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम, तो इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकाला था, कंडक्टर वन की वजह से भी ए पॉइंट प्लेट पोटेंशियल निकाला था, और कंडक्टर टू की वजह से भी ए पॉइंट पोटेंशियल निकाला था, और दोनों को ऐड करके हमने ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकाला था। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कंडक्टिंग प्लेट ए का चार्ज पोटेंशियल निकालेंगे तो इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इस माइनस क्यू की वजह से भी ए पॉइंट का, ए प्लेट का पोटेंशियल निकालेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी प्लेट ए का पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे इसमें हम कंडक्टिंग इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है, दैट मींस स्फेरिकल कंडक्टर टू के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम कंडक्टिंग स्फीयर ए की वन की वजह से भी पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालेंगे, टू की वजह से इस दूसरे चार्ज की वजह से भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, ऐसे यहां पर भी करना है ठीक है। तो एक बात बताओ, नेट न्यू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, ए कंडक्टर का नेट न्यू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, नेट न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कह सकते हो, नेट कह दो, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, तो ये अब मान लेते हैं वी डैश कितना हो जाएगा। तो देखो, इस क्यू चार्ज की वजह से जो प्लेट ए पर है, इसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना था? वी। तो प्लेट ए का पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है वो इस क्यू चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल ठीक है। इस माइनस के क्यू चार्ज की वजह से जो प्लेट बी पे जो चार्ज है, प्लेट बी पे जो माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो मान लो कि इस माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वो है वी माइनस, लेट कर लिया, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना है? तो वो लेट कर लो पी प्लस। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, ये जो पोटेंशियल है वी, ये वाला जो पोटेंशियल है वी, वो प्लेट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल वी, प्लेट बी पर जो नेगेटिव चार्ज है
उसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, बी प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना लेट किया है, इतना, और ये नेगेटिव में होगा तो माइनस का वी माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, याद करो पीछे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, तो यहां ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो प्लस के वी प्लस। तो अब नेट पोटेंशियल इतना, अब ये बताओ ये नेट पोटेंशियल ओवरऑल कंडक्टर ए कंडक्टर बी को रखने से ए प्लेट का पोटेंशियल बढ़ गया या घट गया? पहले कंडक्टर ए का पोटेंशियल वी था, जैसे प्लेट बी रखी तो उसका पोटेंशियल ये हो गया, अब ये पोटेंशियल जो है वो कंडक्टर ए के पोटेंशियल के कंपेयरिंग प्लेट रखने से पहले बढ़ा या घटा ही वो चेक कर ले। तो एक बात बताते हैं, एक बात बताओ, इन दोनों में से प्लेट बी की नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या प्लेट बी की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो मैं कहूंगा कि देखो ये नेगेटिव चार्ज ए की क्लोजर नहीं है, और जब डिस्टेंस कम होती है जैसे पॉइंट चार्ज के तरीके से सोचें, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, ये डिस्टेंस आर है, तो वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। जब डिस्टेंस कम होगी इस पॉइंट चार्ज के पी पॉइंट से, आर कम तो पोटेंशियल ज्यादा। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के कैसा है, पास है, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए से कैसा है, दूर है। तो ये वाला नेगेटिव में मोर होगा, मान लो प्लस माइनस के फोर वोल्ट, समझाने के लिए कर रहा हूं, और ये दूर है तो इस प्लेट की, इस चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कम होगा, प्लस के दो वोल्ट मान लेते हैं, तो यहां पुट कर दो। तो वी डैश निकाल लें अगर हम, ये नेट पोटेंशियल निकाल लें प्लेट ए का, तो वी तो पहले था इस चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना है, माइनस के चार। अब ये मत करना कि माइनस 13 और माइनस 13 प्लस, अरे भाई हमने साइन रख दिया, दो बार थोड़ी रखेंगे, अगर भाई वी इज इक्वल टू ऐसे लिखते फिर ऐसे, ये वी नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस के चार, तो माइनस के चार रखनी, तो माइनस के चार, एक ही बात साइन रखना, तो मैं रख चुका था पहले, प्लस माइनस के फोर, और वी प्लस की कितनी, प्लस के दो वोल्ट। क्या तो जरा सोचो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है घटा रहा है? केवल नेगेटिव चार्ज को देखो, जो बी पर जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को घटा रहा है या बढ़ा रहा है? तो घटा रहा है। देखो अगर केवल बी के नेगेटिव चार्ज को देखता तो इसको हटाओ, ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल था, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल, प्लेट का पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है? तो घट रहा है। पहले कितना था, वी था, अब कितना हो गया, वी माइनस के फोर, अगर हम केवल नेगेटिव चार्ज को देखें तो। सुनाई दिया? लेकिन अगर हम इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज को देखें, ये इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो देखो वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस टू, आप नेगेटिव चार्ज को मत देखो, ये तो था, ये ऐसे, तो ये तो किसका है, नेगेटिव चार्ज, इसको छोड़ दो, ये किसका है, पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस चार्ज का इसका, और ये इस प्लेट का, ये तो इसे इंड्यूस बी, ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, तो देखो बढ़ा रहा है, वी प्लस टू, तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज ए के पोटेंशियल को घटा रहा है, बट ये जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है, तो ओवरऑल पोटेंशियल घट गया, घट रहा है बढ़ रहा है, तो घट रहा है, देखो वी माइनस के टू हो गया। भाई नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्लोजर है या पॉजिटिव चार्ज क्लोजर है, तो नेगेटिव चार्ज क्लोजर, और नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को क्या कर रहा था, घटा रहा था, और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, लेकिन क्लोजर कौन है, नेगेटिव चार्ज, फाइनल इफेक्ट कैसा रहेगा, घटाएगा ही, वी माइनस के टू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवरऑल प्लेट ए का पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है, प्लेट ए का पोटेंशियल निकाल लें हम, प्लेट ए का पोटेंशियल घट रहा है, ओवरऑल इस प्लेट ए का पोटेंशियल घट गया, अगर ओवरऑल इस प्लेट ए का पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
कि कैपेसिटेंस निकालें, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मेटल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ मेटल प्लेट ए, प्लेट ए का कैपेसिटेंस निकालें, तो कैपेसिटेंस चार्ज क्या कंडक्टर ए के इस बी को प्लेट को रखने से क्या कंडक्टर ए के चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ा? तो इस बी को रखने से कंडक्टर ए का चार्ज तो प्लस के क्यों ही रहा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कंडक्टर बी को रखने से इस कंडक्टर ए का पोटेंशियल क्या हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज वी डैश कहेंगे। पहले इसमें कितना था कैपेसिटेंस सी रावर क्यू ओवर वी था, इसी का चार्ज इसी का पोटेंशियल सी रावर क्यू ओवर वी, लेकिन इसको जैसे ही रख दिया तो इस कंडक्टर ए का ही पोटेंशियल है, ये कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर ए का ही कैपेसिटेंस लिखा है मैंने सी डैश कह दें, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आई है बट पोटेंशियल घट गया है, चार्ज कॉन्स्टेंट है लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज अगर ये हो गया, ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया इंक्रीज, ठीक है, पोटेंशियल जैसे डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, दैट मींस इस कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। सर इस कैपेसिटेंस में चार्ज, इस कंडक्टिंग प्लेट ए में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट मींस कैपेसिटेंस बढ़ गया, समझ में नहीं आया सर। तो देखो अगर ये समझ में नहीं आया है तो देखो आप वेसल से कंपेयरिंग करो इसकी, कैसे वेसल से कंपेयरिंग कर लो, एक वेसल है आपका ये, इसको हमने पहले इस वाली सिचुएशन में सोचो कि हमने इसको फुल भर लिया था, लेवल कैसा हो गया था इसका, लेवल 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 ऑफ लिक्विड फुल हो गया था, मैक्सिमम पूरा भर दिया हमने, है ना, तो इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड कम नहीं कर रहे हम, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना, पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लेवल ऑफ लिक्विड को, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो गया ना, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो गया ना भाई, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो गया, चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ, चार्ज उतना ही है, केवल लिक्विड का लेवल कम हो गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लेवल ऑफ लिक्विड को, तो लेवल ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज दैट मींस लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज, अब लेवल ऑफ डिक्रीज लेकिन चार्ज कॉन्स्टेंट रहा था, दैट मींस अमाउंट ऑफ लिक्विड कॉन्स्टेंट है लेकिन लेवल ऑफ लिक्विड कम हो गया, केवल फील करने के लिए ये टॉपिक समझाने के लिए, तो ये बताओ लेवल ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा दैट मींस पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इसमें और लिक्विड डाल सकते हैं कि नहीं, तो इसमें और लिक्विड डाल सकते हैं, फिर इसमें और लिक्विड बढ़ा के इसके लेवल को द्वारा से कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे के फिर उसका पोटेंशियल द्वारा से कितना कर सकते हैं, प्लस के भी कर सकते हैं, फिर इसका पोटेंशियल द्वारा से कितना कर सकते हैं, प्लस का भी कर सकते हैं, द्वारा से प्लस भी कर दो इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा से प्लस भी कर दोगे, फिर उसके बाद फर्दर चार्ज दोगे तो फिर द्वारा से लीक करने लगेगा, लेकिन ये बताओ पोटेंशियल घट गया तो इसको द्वारा से वी करने के लिए आप क्या करोगे, इस कंडक्टर को और चार्ज दे दो, भाई चार्ज देने पर तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो और कंडक्टर को चार्ज दे दो, तो इसमें चार्ज सी कंडक्टर ए में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, बढ़ गई, दैट मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा, फीलिंग आई, समझ में आया, ठीक है। देखो इसी चीज को मैंने, इस पूरे पॉइंट को मैंने यहां नोट आउट कर रखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखो यहां तक हमने पढ़ लिया था, भी समझाया था भी आपको, आगे देखते हैं। नाउ कंसीडर अंदर मेटल प्लेट बी हेल्ड नियर द प्लेट ए, एक हमने इस प्लेट ए के नियर एक अंदर प्लेट रख ली, नियर रखे है, ठीक है, मेटल की है वो भी, बाय इंडक्शन अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द नियर फेस ऑफ बी, तो इंडक्शन से इस बी के नियर वाले फेस पर कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। आगे पढ़ते हैं, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन फर्दर फेस ऑफ बी, और फर्दर फेस दूर वाले फेस पर, प्लेट ए से दूर वाले फेस पर बी के पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, द इंड्यूज नेगेटिव चार्ज टेंस टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाई तो रहा था, देखो ये रहा V माइनस के फोर, भाई माइनस के फोर किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये प्लेट ए के पोटेंशियल को घटा रहा है V माइनस के फोर, नहीं आया, ये ऐसे तो था, तो आप किसको मत देखो, प्लस के चार्ज को मत देखो,
अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से केवल देखते तो ए का पोटेंशियल कितना होता, नया नया पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से देखते तो इतना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, प्लस की वजह से छोड़ दें तो ये ए का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल वी था, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल चार और हो गया माइनस के फोर, तो टोटल हो गया इतना। तो इसने पोटेंशियल पहले वी था, अब वी माइनस के फोर घटाई तो दिया, और इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए का पोटेंशियल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आप इसको मत देखो, क्योंकि अब इसको देखो तो ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, देखो वी प्लस टू। पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है वी प्लस टू, समझ आपको, तो बढ़ा रहा है। तो ये लिख रहा है देखो यहां पे क्या लिख रहा है कि द इंड्यूज नेगेटिव चार्ज टेंस टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड द इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज टेंस टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। लेकिन अब एक बढ़ा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाना चाहता है, पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाना चाहता है, तो ओवरऑल ए प्लेट का पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। तो ये तो इस प्लेट ए के नियर कौन सा चार्ज है, माइनस के क्यू चार्ज, तो ये ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा, ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव में इसकी, तो इसीलिए ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो लिख देंगे यहां एज द इंड्यूज नेगेटिव चार्ज क्लोजर टू ए, जो इंड्यूज नेगेटिव चार्ज है वो किसके क्लोज है, ए के क्लोज है, इट इज मोर इफेक्टिव, इट इज मोर इफेक्टिव, इट इज एज इंड्यूज चार्ज क्लोज इज मोर इफेक्टिव, द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए रिड्यूज, ए का पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। जब प्लेट ए का पोटेंशियल रिड्यूज हो जाएगा तो प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, तो कैपेसिटेंस ऑफ मेटल प्लेट ए निकालें तो सब कुछ ए प्लेट का लिख लो, ए प्लेट का कैपेसिटेंस, ए प्लेट का चार्ज, ए प्लेट का पोटेंशियल, तो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आया है। इस प्लेट बी को रखने से प्लेट ए के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, क्यों लिख लिया ऐसे कैसे, लेकिन पोटेंशियल घट गया है। तो देखो चार्ज तो कॉन्स्टेंट है ना, तो चार्ज कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल घट गया, और जैसे पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो लिख दिया एट इज मोर, लिख दिया पोटेंशियल, एंड हेंस सम मोर चार्ज कैन बी गिवन टू ए टू राइज इट्स कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ए हैज इंक्रीज्ड। जब इसका कैपेसिटी, जिसका पोटेंशियल घट गया, तो द्वारा से उस पोटेंशियल को उतना ही करने के लिए हम और चार्ज दे सकते हैं ना, तो इस कंडक्टर का चार्ज और दे सकते हैं, दैट मीन्स इस कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये बढ़ी कैसे, कंडक्टर बी को कंडक्टर ए के पास लाने से, ये लिख रहा है बाई ब्रिंगिंग द अंडर अनचार्ज कंडक्टर लाए थे, कैसे लाए थे, बी इन इट्स विसिनिटी, मतलब पास, विसिनिटी का मतलब होता है पास लाने से। इतनी बात समझ में आई आपको, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया बेटा प्रिंसिपल, ठीक है। इस जो मैंने लिखा है साइड में, इसे कॉपी कर लेना, कॉपी से करके ये समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपका ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई पक्का, ठीक है, ये क्लियर है, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसी को। क्या इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ के सी से सी डैश हो गया, क्या और बढ़ा सकते हैं, तो और भी बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखो तीसरा स्टेप शुरू होता है यहां पे, कि अगर हमारे पास जो कंडक्टिंग प्लेट ए थी, मैं फिगर बना देता हूं तब आगे से हटता हूं, ये प्लेट ए, इस पर प्लस के क्यू चार्ज था ऐसे, और ये प्लेट बी थी, अब इसको भी मैं अर्थ कर दूं प्लेट बी को, तो इस पर नेगेटिव चार्ज था ऐसे, और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज था ऐसे, देखो इस प्लेट बी को मैं अर्थ और कर दिया मैंने, तो जानते हो अर्थ कर देने से इस कंडक्टिंग प्लेट ए का कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, दैट मींस प्लेट ए में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हम यहां पर प्लेट ए का साइज बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे, आपका प्लेट ए के सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे, हम केवल, हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया है कि विदाउट साइज इंक्रीज करें हम कंडक्टिंग प्लेट ए का कैपेसिटेंस बढ़ा दें, दैट मींस उसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ा दें, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो ये देखो कैपेसिटर बनके तैयार हो गया, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अर्थिंग करने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा उसकी तरफ चलते हैं।
तो देखो आपने अर्थिंग वाला पॉइंट पढ़ा था पीछे, तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव प्लेट ने, इस कंडक्टिंग प्लेट के पॉजिटिव चार्ज ने इस बी प्लेट के इंड्यूज चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रखा है। भाई प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन ही तो होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, ऐसे खींच के रखेगा, ऐसे खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके ऐसे। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये बाउंड चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों बोल रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को बाउंड कर रखा, अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड कर रखा है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज बोलेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज ने, इस प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज ने उस प्लेट के बी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो उसे फ्री चार्ज बोलेंगे। तो याद है आपको, जब हम किसी इसको अर्थ करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चार्ज की दशा की तरफ फ्लो करता है, बताओ चार्ज फ्लो करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अर्थ का पोटेंशियल तो कितना होता है, जीरो। और इसका, इस प्लेट का जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल कैसा है, हाई है। इसका पोटेंशियल हाई, इस प्लेट के आउटर सरफेस का पोटेंशियल हाई और अर्थ का पोटेंशियल लो। देखो प्लस के दो वोल्ट ज्यादा है, जीरो वोल्ट ज्यादा है, या माइनस के दो वोल्ट सबसे ज्यादा है, ये ऐसे। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है आउटर प्लेट पर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो हाई पोटेंशियल हो गया, ये जीरो वोल्ट है। समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन हमने पढ़ा है कि कंडक्टिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है, मूव नहीं करता, तो फिर क्या हुआ, आज से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्लेट पर जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में लीक कर गया, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में लीक कर गया। आप ये भी बोल सकते हो कि आज से इलेक्ट्रॉन निकले और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, ऐसे। समझ में आया, तो ये चार्ज अर्थ में लीक कर गया, ये कह सकते हो आप, ये चार्ज अर्थ में लीक कर गया, ठीक है, अर्थ में लीक कर गया। अब ये चार्ज अर्थ में लीक करने से, अर्थ में लीक कर गया, तो अब ये बताओ प्लेट ए का नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट ए, मेटल प्लेट ए, तो वी डबल डैश कह लेते हैं। तो ये तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो प्लेट ए पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना था प्लेट ए का, वी। तो अभी भी प्लस क्यू चार्ज है प्लेट ए पर, उस प्लेट ए की वजह से प्लेट क्यू पर, प्लेट ए पर कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा, सॉरी वी। प्लेट ए के प्लस क्यू चार्ज के से ए प्लेट का पोटेंशियल भी, और इस प्लेट बी के नेगेटिव इंड्यू चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल कितना माना था हमने, माइनस के फोर वोल्ट, तो माइनस के वी फोर, माइनस वैल्यू मानी थी हमने वी माइनस के फोर, ऐसे आया। पॉजिटिव चार्ज चला गया है, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहा नहीं, तो पहले तो देखो कैसे लिख रहे थे, ये पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए का, और ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए का। तो अब कौन सा चला गया, जो प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ा रहा था या जो प्लेट ए का पोटेंशियल घटा रहा था। तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए का पोटेंशियल घटा रहा था, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ा रहा था, तो बढ़ाने वाला चार्ज चला गया, तो और पोटेंशियल घट गया, बढ़ गया। तो देखो पहले फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया था, ये हो गया था वी माइनस, इसका v माइनस की वैल्यू पुट की माइनस के फोर, और v प्लस की वैल्यू प्लस के टू, तो v माइनस के टू। अब कितना हो गया, v माइनस के फोर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था, इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज था इधर की तरफ, जो इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज था वो प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ा रहा था, लेकिन वो चार्ज अर्थ में लीक कर गया, तो बढ़ाने वाला चार्ज, पोटेंशियल बढ़ाने वाला चार्ज तो अर्थ में लीक करेगा, घटाने वाला चार्ज अभी भी प्रेजेंट है, तो ओवरऑल प्लेट ए का पोटेंशियल और घट गया। पहले कितना था, सबसे पहले v था, फिर हुआ v माइनस के टू, अब हो गया v माइनस के फोर, और v माइनस के फोर हो गया, तो
कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट ए, प्लेट ए का कैपेसिटेंस चार्ज में, तो प्लेट ए के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, प्लेट ए का चार्ज प्लस के क्यू ही है, लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया वी डबल डैश, और घट गया है बढ़ गया है, और घट गया है और घट गया, तो पोटेंशियल और घट गया, तो उसे द्वारा से पोटेंशियल मैक्सिमम करने के लिए हम और चार्ज दे सकते हैं कि नहीं? पोटेंशियल घट गया और घट गया, तो द्वारा से वी चार्ज करने के लिए पोटेंशियल घट जाता है, तो फिर द्वारा से उसे बढ़ाएं, कितना करना चाहते हैं वी, तो चार्ज और दे सकते हैं ना, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना, अगर आपको पोटेंशियल बढ़ाना है तो चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल को वी माइनस फोर से द्वारा से वी करने के लिए हम उस प्लेट ए को और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, दैट मींस प्लेट ए में और अधिक चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी आ गई, दैट मींस उस कंडक्टिंग प्लेट ए का कैपेसिटेंस बढ़ गया। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं तो वेसल से समझ लेना, वेसल का लेवल और कम हो गया, पोटेंशियल कम होने का मतलब लेवल और उतर गया, लेकिन चार्ज उतना ही है, लिक्विड का अमाउंट उतना ही है, चार्ज चेंज नहीं किया, लिक्विड का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेवल उतर गया, तो उसको द्वारा से मैक्सिमम लेवल तक लाने के लिए हम उस वेसल में और लिक्विड भर सकते हैं, नहीं भर सकते, और लिक्विड भर सकते हैं, तो उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा घट जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एक वो समझने के लिए है केवल, इसको समझ में आया, ये फील आ रहा है आपको कि चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज आया, तो इसमें देखो इस कंडक्टिंग प्लेट बी का कैपेसिटर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कैपेसिटर में जो सेकंड प्लेट होती है बी, उसका क्या काम होता है, कैपेसिटर में जो सेकंड प्लेट है बी, पहले प्लेट कैपेसिटर में, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कह रहे हैं, इस पर नेट चार्ज देख लो कितना है, जीरो। मैंने कहा था कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दें विदाउट उस कंडक्टर का साइज इंक्रीज करें, शेप और साइज इंक्रीज करें, ना शेप चेंज करें कंडक्टर ए का, ना हम साइज चेंज किया हमने, और उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दें, दैट मींस उस कंडक्टर ए में चार्ज और एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी को बढ़ा दें, और चार्ज और एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ा दें, उस डिवाइस को ही हम क्या नाम बोल देते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को, उस अरेंजमेंट को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है। समझ में आया? और क्वेश्चन पूछे कि सेकंड प्लेट का क्या काम है, तो सेकंड प्लेट का काम है पहली प्लेट के पोटेंशियल को कम करके पहली प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना, प्लेट बी का काम है कंडक्टर ए का जो फर्स्ट प्लेट है, जो चार्ज प्लेट है, चार्ज पॉजिटिव प्लेट थी, अनचार्ज कंडक्टर बी का काम है चार्ज कंडक्टर ए का पोटेंशियल कम करके इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना, और यही चीज जब हम पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर वन में, तो मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैंने कहा था ये फैक्टर मैं लास्ट में समझाऊंगा जब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझाऊंगा, तो देखो समझा दिया, ये क्लियर है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अगर लिखना हो एक लाइन में, अगर एक लाइन में प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो किसी कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर के नियर एक अनचार्ज कंडक्टर रखने से, शॉर्ट फॉर्म में लिखें प्रिंसिपल, तो एक चार्ज कंडक्टर के नियर एक अनचार्ज कंडक्टर रखने से चार्ज कंडक्टर का चार्ज कॉन्स्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो इस प्रिंसिपल को ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक है, काफी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है, कल देखते हैं बेटा।